सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको जो हमारा इस टाइप का वाटर पंप का जो बूस्टर पंप होता है वो हमारा डेड हो जाता है तो हम उसका क्या करें, तो उसी को हम देखने वाले हैं। डेड हो जाता है तो हम क्या करें, जैसे कि देख सकते हैं ये मेरा पावर अडेप्टर है, इसमें मैं लगाता हूँ इस वायर को, तो देख सकते हैं ये वर्क नहीं कर रहा है। और ये मेरे पास दूसरा मोटर पड़ा है नया, ये देख सकते हैं ये चल रहा है और इसमें वाटर भी था, देख सकते हैं। तो ये हमारा चल रहा है और ये नहीं चल रहा है, तो इसको हम खोल के देखेंगे कि इसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है। तो गाइस खोलते हैं अब इसको हम, तो मैं थोड़ा सा टूल वगैरह ले लूँ अपना, तो देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो चार्जर को रख देते इधर, तो देख सकते हैं इसको मैं खोल रहा हूँ। तो गाइस काफी टाइट है, एक नट तो खुल गया, दूसरा वाला देखते हैं अब खुलता है कि नहीं। तो ये भी खुल गया, तो दोनों पेच मैंने खोल लिया गाइस, देख सकते हैं। तो इसको हम खोलेंगे अब, यहाँ से ये निकलेगा, तो इसको मैं थोड़ा सा हथौड़े की मदद से ठोकूंगा यहाँ से, ऐसे आपको भी ठोक लेना है। तो ये खोल रहा हूँ मैं, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन थोड़ा सा ये खुल नहीं रहा है, ऐसे तो घूम रहा है देख सकते हैं। इसको मैं खोलता हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। कोई पकड़ने वाला नहीं है, देख सकते हैं। तो इसको बड़ा सावधानी से खोलना है नहीं तो चोट वगैरह लग सकता है। तो देख सकते हैं ये हमारा कार्बन वगैरह सड़ गया, इसका इसमें पानी का लीकेज हो गया है, देख सकते हैं। बैरिंग वगैरह ठीक है लेकिन ये पीछे से जब लीकेज हो जाता है गाइस तो इसमें सारा आर्मेचर में पानी चले जाता है, देख सकते हैं सारा पानी चल गया। तो ये जो आर्मेचर होता है हमारा अंदर वाला जो मोटर वाइंडिंग होती है इसमें ये पानी चले गया है। तो क्या गाइस ये हमारा चलेगा फिर? तो गाइस ये इसको चलेगा तो नहीं, देख सकते हैं क्योंकि हमारा पानी चले गया इसके अंदर, तो हमारा जो वाइंडिंग होता है ये शॉर्ट हो जाता है। इसके वजह से हमारा ये जो पंप होता है पंप में जो स्पार्किंग होगा तो सर ये चलेगा नहीं, देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं देख सकते हैं, दो कार्बन होता है यहाँ पे इस टाइप का, जो ये हमारा बीच में यहाँ पे हमारा आर्मेचर का जो रोड होती है वो फंस जाती है इस तरीके से यहाँ पे। और ये जो कार्बन होता है ऐसे ऐसे जब हमारा गलते जाता है तो ये आगे बढ़ते जाता है, इसमें स्प्रिंग लगी रहती है देख सकते हैं इस टाइप का। और ये हमारा ये पीछे की तरफ ऐसे पुश करता है, देख सकते हैं ये स्प्रिंग है इसकी, इसको मैं लगा के दिखाता हूँ। देख सकते हैं ऐसे 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 पुश करता है,
तो ये हमारे जब कार्बन गलने लगता है तो आगे की तरफ ये स्प्रिंग धकेलते रहता है इसको, ताकि जो लास्ट तक हमारा कार्बन चले। तो गाइस ये पार्ट्स लगे होते हैं और इसमें एक आर्मेचर होता है जो ये इसके अंदर लगा हुआ है, ये वाला देख सकते हैं, ये आर्मेचर होता है और इसके अंदर एक चुंबक भी लगा रहता है, दो, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। जब हमारा करंट जाता है तो ये बीच में घूमने लगता है, प्रेशर बनाने लगता है, देख सकते हैं इस तरीके से घूमते रहता है। तो गाइस ये इसमें ये पार्ट्स होते हैं और ये इसका ये हेड होता है, देख सकते हैं ये वाला, देख सकते हैं। इसको मैं पूरा खोल देता हूँ ताकि आपको पता लगे, देख सकते हैं। देखिए यही सब लगा रहता है और ये चुंबक है, ये देख सकते हैं, मैं इसमें कुछ चिपका के दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं इस तरीके से मैग्नेट बनता है, तो हमारा बीच में ये घूमने लगता है, देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर नीचे दोनों तरफ चुंबक लग रहा है। ये आर्मेचर देख सकते हैं बिल्कुल खराब हो गया है और ये पूरा जाम भी हो गया है, देख सकते हैं घूम नहीं रहा है। तो ये मैंने रिपेयर करने गया था तो वो तो कह रहे थे चल रहा था, लेकिन जब मैंने फिल्टर शिफ्ट करना था तो फिल्टर मैंने शिफ्ट करने लगा तो जब फिल्टर उतारा तो वो कह रहे थे मेरा वर्क कर रहा है, तो जब मैं उतारा तो मैं जब चालू करके देखा तो ये वर्क नहीं कर रहा था। तो उसमें मैं दूसरा ये ऐसा मोटर देख सकते हैं, न्यू मोटर मैंने इंस्टॉल कर दिया और ये वाला मोटर खोल लिया। तो गाइस ये सब पार्ट्स होता है और ये होता है हेड, मेन हेड होता है इसका जो प्रेशर बनाता है और इसमें ये रोटेट करता है, इस तरीके से घूमते रहता है, तो यही हमारा प्रेशर बनाने का काम करता है और ये हमारा हेड होता है, जो कि कभी कभी हेड वीक हो जाता है तो हम इसको चेंज कर देते हैं। आगे की तरफ से यहाँ से 4 वोल्ट लगा रहता है, 3 लगा रहता है सॉरी, 1, 2 और 3 यही लगे रहते हैं और यहाँ से यहाँ निकल जाता है। मैं दिखा देता हूँ आपको हेड कैसा होता है। तो मेरे पास कुछ हेड पड़े हुए हैं, इस टाइप का हेड होता है, अगर लीकेज होता है तभी भी हमें यही चेंज करना होता है, यहाँ से लीक करता है, इसका तो पूरा लीक हो गया है आगे से पीछे तक, तभी ये खराब हुआ है, देख सकते हैं यही हमें चेंज करना होता है तो हमारा प्रेशर बनता है। तो गाइस इसी का मुझे इन्फॉर्मेशन देना था, तो गाइस आप कभी अगर मोटर वगैरह डेड हो जाता है तो इसी तरीके से खोल के चेक कर सकते हैं आप कि हमारा मोटर सही है खराब। तो गाइस मैंने दिखा दिया है, तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, नई नई वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि और भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊँ, सपोर्ट करिए वीडियो को। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक लिए टाटा बाय बाय।